आलम ऑन स्क्रीन, ओके, नो वन एल्स. मोना आलम और तारिक फतेह. तारिक फतेह साहब, सबूत तो बड़े चीजों क्या है, पीओके के भी सबूत आए. पहले पाकिस्तान गोलीबारी करता है, जब हिंदुस्तान की तरफ से रिएक्शन होता है तो बच्चों को औरतों को आगे कर देता है पीओके के अंदर. दूसरा रिएक्शन आया केरन सेक्टर के अंदर, ही घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इनको ये महसूस नहीं हो रहा कि ये आतंकी इतने थे या एहसास नहीं हो रहा. तीसरा इन्वेस्टमेंट के लिए जो कुछ विजुअल्स हम दिखा रहे हैं वो आपने देखा. चौथा, पूरे दुनिया भर के चैनल्स को देखते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है वाकई पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर अपर हैंड है? मैं आपकी राय लेता हूं, बताइए. मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में बताऊं. एक तो ये है कि दुनिया में कहीं पे भी किसी कैपिटल में, वेस्टर्न कैपिटल्स की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं मुझे नजर आया कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की बात भी सुन रही हैं. ये और बात है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने काफ़ी पेनिट्रेट किया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में. बरतानिया में हैं इनके लोग, आपने देखा होगा हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े हो गए खालिस्तानी, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया. फिर यहाँ कैनेडा के अंदर भी इनके दो चार पाकिस्तानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो अलग बात है, होती रहती. लेकिन जहाँ तक औरतों को नचवाने का, आप लोग शायद ये बात भूल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट हैं वो लंदन गए पिछले हफ्ते, और उनके डिनर के एंटरटेनमेंट में चार औरतों से इंतहाई कम कपड़े पहनी हुई औरतें नाच रही थी, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, वो उनके सदर बैठ के तालियां बजा के खाने के साथ ये अय्याशी कर रहे थे. उसी आजाद कश्मीर सो कॉल्ड जो है, वो पाकिस्तानियों को ये नहीं समझ में आता या इनको इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है कि 1947 अगस्त की 14 तारीख को जो इन्होंने वॉर क्राइम्स कमिट किए कि पाकिस्तान फौज को सिविलियन लिबास में और कबायली लोगों को भेजा इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को इन्वेड करना, जो आज आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो इलाका है जिस पे पाकिस्तान ने हमला करके हिंदुस्तान के एक स्टेट पे कब्जा किया हुआ है. ये मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, ओपिनियन की बात नहीं है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको पाकिस्तानी बार बार कहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये उन्होंने डिटर्मिन किया है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिविलियन जब तक पीओके से नहीं हटेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. और ये हटाने के बजाय क्या, ये तो चीन के आगे बेच चुके हैं, तो इनका कश्मीर से पाकिस्तानियों का कोई ताल्लुक नहीं है. पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सके. पंजाबी और चाइनीज, दे हैव इरेडिकेटेड द कश्मीरी लैंग्वेज. ओके, जिस तरह पंजाबी जबान पे पाबंदी लगाई, इन्होंने कश्मीरी जबान पे पाबंदी लगा के गिलगित बल्तिस्तान में उनकी अपनी जो जबान है उसको खत्म कर दिया. मैं वहां नारे लग रहे हैं कि पाकिस्तान से मोना आलम है, वहां की जानी मानी पत्रकार है मोना आलम. एज अ जर्नलिस्ट वी बिलीव ऑन फैक्ट्स, वी बिलीव ऑन विजुअल्स, क्योंकि आप भी टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं, पीटीवी में आप अपना शो भी होस्ट करती हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं. तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये केरन सेक्टर के विजुअल्स हमारे सामने आए, पीओके के विजुअल्स हमारे सामने आए कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही साथ फैक्ट हमारे सामने है कि किस तरह पाकिस्तानी सेना आम बच्चों को और औरतों को आगे कर देती है लड़ाई लड़ने, गोली चलाने के बाद, बम फेंकने के बाद. क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं गैरत को अपनाना चाहिए? ये जो डांस हो रहा है उस पर मैं नहीं आ रहा, मैं आगे आऊंगा उसके ऊपर. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एंड योर रिस्पॉन्स टू तारिक फतेह? जी, थैंक यू अमीश जी. देखिए, आप जो इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, आपने कोई वीडियो दिखाई है? मैं नहीं देख सकी क्योंकि मैं यहाँ स्काइप पे हूँ. लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि कोई वीडियो है और कोई इन्फिल्ट्रेशन होने की कोशिश हो रही है, देखिए, एक हाईली फोर्टिफाइड, मिलिटरली फोर्टिफाइड ये जोन है, जिसको LOC जो दोनों कश्मीर के दरमियान है उसको सेपरेट करती है. वहाँ पर आपकी CRPF है, वहाँ पर आपकी पुलिस है, वहाँ पर आपकी पैरामिलिट्री है, आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है. हमारे सामने है पांच आतंकियों के जो आपने भेजे थे, इतना सब कुछ. जी, मैं इसी पे मैं आ रही हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद से एक ना जहन आपका एक्सेप्ट नहीं करता है
कि इतना फोर्टिफाइड मिलिट्री जोन, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई वॉर जोन है। ये सिर्फ विजुअल एविडेंस नहीं है, आपकी सेना को बल्कि बताया गया कि आपके 5 आतंकियों के शरीर उधर पड़े हैं, उन्हें ले जाइए, 5 बॉडीज वहां पड़ी है, ले जाइए। ये बात, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये कारगिल क्या प्रोपेगेंडा है, 20 साल हो गए हैं, इंडिया इज नॉट ग्रोइंग आउट ऑफ इट, इंडिया इस प्रोपेगेंडा से बाहर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी जो उनकी जी सेना के लोग होते हैं उनको हम मार देते हैं फिर पाकिस्तानी okay, okay, जाते हैं। मतलब आई मीन द वर्ल्ड हैज हैड इनफ ऑफ इट, हम भी 20 साल से ये एक बात सुन सुन के पक चुके हैं कि आप लोग कारगिल के टाइम से शुरू हुए हो और आप हर चीज में ये थोप देते हो, उड़ी में थोप देते हो, पठानकोट में थोप देते हो, या आपका कॉपी पेस्ट फॉर्मूला है जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रधानमंत्री ने माना करते हैं ना, मोना आलम आपके प्रधानमंत्री ने माना कि हमने पुलवामा कराया था, आपके प्रधानमंत्री ने माना हमने पुलवामा कराया था, आपके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम जिहादी बनाएंगे, आपने खुद अपने आप को एक्सपोज किया था। अच्छा, कि आपने एक वीडियो क्लिप चलाया था और आपने जिसकी कौन इस समय एक्सपोज हो रहा है वो दुनिया देख रही है, में भी कहीं से ये सुनने नहीं आया कौन एक्सपोज हो रहा है वो दुनिया देख रही है, पुलवामा हमने कराया था, नहीं कौन एक्सपोज हो रहा है वो दुनिया देख रही है, पुलवामा आप ही ने कराया था, आप ही के शासन ने कराया था, आप रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ, जो आपके इसीलिए बालाकोट हुआ था, बालाकोट इसीलिए हुआ था, बालाकोट इसीलिए हुआ था, पूरी आप ही ने कराया था, इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, कर रहे हैं ओके, यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने नोटिस ले लिया है और आप लोगों के जो दिन है ना, ठीक है तारिक फतेह कमिंग, एक सेकंड सबित पात्रा आई एम कमिंग टू यू, शेष जी इज आल्सो वेटिंग, आरएसएल इज आल्सो वेटिंग, तारिक फतेह 40 सेकंड रिपोर्ट, तारिक फतेह। मोना, पाकिस्तानीज हैव अ ट्रेडिशन ऑफ अबैंडनिंग देयर सोल्जर्स, मेरी बात सुन ले, आपने बंबई पे जो अटैक कराया था उसके जो सोल्जर्स हैं या जो टेररिस्ट हैं उनकी बॉडी आपने वापस मांगी क्या? आप तो अबैंडन करती हैं, बांग्लादेश अबैंडन किया आपने, You left half the, आप अपना abandon कर दिया अपनी फौज बचाने के लिए, You abandoned East Pakistan, चुल्लू भर पानी लेके मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को, कैसे आगे बढ़ना है आपने, आपने बलूचिस्तान में क्या किया, कैन यू स्पीक अबाउट 2019, आप किस, डू यू स्पीक अबाउट बलूचिस्तान, आपने बलूचिस्तान पे कुछ बोला है, बलूचिस्तान आपको पता है कितने लोग एग्जाइल में हैं वहाँ, यू डोंट कंसीडर देम ह्यूमन बीइंग्स, बलूचिस्तान सर आप कहाँ का, आप मुझे नहीं समझ आता, आप कौन सा इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करते हो, आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए, यूएन की कौन सी रेजोल्यूशन है बलूचिस्तान में, 11 देखिए मेरी बात नहीं है मोना, मैं मानता हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो आपको उसमें पता होगा कि पहला स्टेप है कि पूरी पाकिस्तानी फौज, के लेखक है उनका अभिनंदन है, मैं सीधा रुख करता हूं तारिक फतेह साहब आपका, पहला सवाल मैं आज आप ही से पूछता हूं, आखिरकार क्यों पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है जब ये भारत का अंदरूनी मामला है 370 का, और वो क्यों हमारे लोगों का इस्तेमाल कर ये खेल खेलना चाहता है? परेशान पाकिस्तान इसलिए है कि आपने उनकी शहरत पे, जिसे कहते हैं गर्दन पे हाथ रख दी है, असल मसला पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान, जहां पे उन्होंने 1,00,000 चाइनीज फौज को कैंप बना दिए, उसके अंदर चीन के जेल वहां कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, अब ये सारा किस्सा अगर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 48 में तो पहले कहा था कि पाकिस्तान की फौज का हर सिविलियन, हर फौजी, हर रहने वाला जो अगस्त 14 को नहीं था पहले तो वहां से निकले, ये चीन को कैसे निकालेंगे, इन्होंने तो कई करोड़ डॉलर खा लिए चाइना से अपने सीपैक का बनाए हुए, आप ये समझिए कि पाकिस्तान फौज का प्राइमरी इंटरेस्ट जो है वो है माल तोड़ना, उसको वो एक मजहब के लिबादे में ओढ़ के इस्लाम के बड़े जानिसार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से चोर बदारी है,
अब परेशान है कि इंडिया ने ये स्टेप लिया, यूनाइटेड नेशन गए वहां किसी ने घास नहीं डाली, जो सऊदी अरेबिया के पास गए भीख मांगने, उन्होंने कहा हम $70 बिलियन तो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं अरामको के थ्रू, आप कहां से आएंगे? तो ना इनका कोई दोस्त रहा और ना ही इनका कोई दुश्मन, क्योंकि ये खुद अपने दुश्मन है और ये अपने लोगों पे, सिर्फ निहत्ते लोगों पे गोली चलाना चाहते हैं। जानते हैं, ये समझते हैं इंडिया की फौज भी वैसे ही होगी। तो आप ये समझिए कि ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप क्योंकि आप कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान को समझते बहुत अच्छी तरह से है, फिर इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये धमकी नहीं दे रहे सर, ये इसके अंदर कुछ नहीं सर में धमकी नहीं, वो जो भी अपनी कहानी बता रहे हैं अपनी आवाम सर, ये खाली है, ये ऊपर खोखला है, इसको इन द डिम कहते थे। यानी ये आप मत समझे कि ये को बहुत सोचने वाला आदमी आ गया, जितनी अच्छी शक्ल है उतना अच्छा जहन होगा, ना 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 ना, ये तो अपनी यानी जाली अपनी अमृतसर की अम्मा से हटके जाली पठान बनने की कोशिश करने, ये पूरा फेक कंट्री है, इसके अंदर फेक जबान चलती है, इसके लोगों के साथ जो हो चुका आप सोच भी नहीं सकते। ये तो 30 लाख बंगालियों को मारने के बाद डिकार नहीं लिया इन्होंने, अभी जो बलूचिस्तान में रोज हो रहा है, यानी कल आपने देखिए कि एक शख्स एक बहुत बड़े लीडर का उसका बेटा तारिक साहब एक सवाल मेरा पूछने का आपसे बहुत मन है, मुझे पता है इसको लेकर कई लोग बड़े सारे सवाल भी खड़ा करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है धारा 370 लगाना मानव अधिकार का उल्लंघन हो गया कश्मीर के अंदर, जो कुछ मोदी की सरकार वहां कर रही है? आपका नजरिया क्या है, आप कनाडा में बैठे हैं बताइए। देखिए ये क्योंकि हमारे यहाँ पर कई शैला रशीद जैसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। ये तो बोलेंगे ना, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में दो टाइप के मुसलमान रहते हैं, एक हिंदुस्तानी और कुछ पाकिस्तानी, ये बड़ी आसान है। हमारे रिजवी साहब हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान को दिल से मोहब्बत करते हैं, जान देने को तैयार हैं, पूरी तारीख है हमारी। लेकिन कुछ वो लोग हैं मोहम्मद अली जिना टाइप के, जिनको फैशन में इस्लाम मिला, यानी कुत्ता भी है, सुअर भी है, सिगार भी है, जो कुछ है बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का। अब तक एक तारिक फतेह ये रिपोर्ट हिंदुस्तान बना रहा है, ये इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है, रिपोर्ट तो पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन ने बनाई है। अमीश देवगन क्या कर लेगा इसके अंदर, सबित पात्रा क्या कर लेंगे इसके अंदर, या आप क्या कर लेंगे तारिक साहब? ये इनकी नादानी है, पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स इनको कुछ नहीं पता, ये पंजाब में बैठते हैं इनकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है, और ये अपनी जबान से नफरत इतना करते हैं कि दूसरे लोग जो हैं पाकिस्तान में उनसे भी ये नफरत करते हैं। मैं आपको बताऊं कि पहली जंग आजादी 1948, प्लीज खामोश रहे हैं आप, आपके हाथ डूबे में बलोचों के खून में, आपको शर्म नहीं होती औरत होते हुए आप रेप को डिफेंड कर रही है, कोई बात नहीं है सर, आप झूठ बोल रहे, बिल्कुल हो रही है, आपको क्या पता है? व्हाट यू नो अबाउट बलूचिस्तान? यू नो नथिंग अबाउट इट, यू आर सिटिंग देयर, मेरी बात सुनिए, आप खामोश रहिए, कीप योर माउथ शट, व्हाट प्लीज यू डोंट लाई, आपने यस प्लीज गेट लॉस्ट, आपके सामने आपकी बहनों का रेप होता है एंड यू कम ऑन टीवी टू डिफेंड इट, कैसे मुसलमान औरत है? यस यू आर डिफेंडिंग इट, यू वुड डिफेंड सर, आपका बाप फौजी भाई फौजी, आप इतना झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टुपिडिटी और योर इलिटरेसी, पाकिस्तान बलोच हैव बीन फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस 1948, कीप क्वाइट, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपने समझा ये यूनाइटेड नेशंस है जब बैठा हुआ आपका गुंडा वहां जाके खड़ा हो गया? सर, मेरी आधी फैमिली बलूचिस्तान में रहती है। अरे आप लव बलोचिस्तान नहीं बोलते, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे पता नहीं है, आपने कब्जा किया है क्वेटा पे, आप एक लव बलोची का नहीं जानती, यू कैन नॉट स्पीक बलोची, कैन यू, यू नो नथिंग अबाउट इट, आप तो ऐसे जैसे अंग्रेज इंडिया में आया और कहता हमको ज्यादा पता नहीं हो सकते। अरे खामोश तो अभी भी खामोश हो, आपके हाथ डूबे हुए खून में, यू डिफेंडिंग रेप ऑफ योर सिस्टर्स, यू डू नॉट डिजर्व टू बी हर्ट। सर 1948 में पहली जंग आजादी हुई, इन्होंने
बलोचिस्तान के जो लीडर थे उनको कुरान पे कसम खा के कहा पहाड़ों से नीचे आओ हम तुम्हारा ट्रायल करेंगे, देन नौरोज खान को सजाए मौत हुई और उसके सारे खानदान को इसी बच्ची के माँ बाप दादाओं ने हैंग किया। 1962 के अंदर जंग आजादी हुई शेरू मरी की, जिसका बेटा आज भी सेंट पीटर्सबर्ग में एग्जाइल में है। 1970 में जंग आजादी हुई जब आप हिंदुस्तान ने 90,000 कैदी छोड़ के बलोचिस्तान भेजे टिक्का खान के हाथ, मैं क्या गिनवाऊ आपसे। 2005 से ये जंग आजादी लड़ी जा रही है, वो डॉक्टर अल्लाह नजर पहाड़ों में बैठा हुआ है और ये बैठ के यहां बात करती है कि वहां कुछ नहीं हो रहा। जस्ट बिकॉज यू आर ब्लाइंड दैट मींस आई कांट सी, कुछ शर्म करो। 30 लाख बंगालियों का खून किया तुमने, 2 लाख औरतों का रेप किया, मुसलमान औरतों का, और ढुंढोरा पीटते वहां जाके यूएन में कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत बड़ी खबर। मैं बात के एक आदमी जिसका कोई ताल्लुक से, आपकी राय क्या है उन पर? इमरान खान की जब आप चेहरा देखते हैं तो क्या याद आता है? इंग्लिश में उसको कहा जाता है इन द डिम, यानी इसका हिंदी में अनुवाद भी कर दीजिए, मतलब जिसके दिमाग का स्विच डिमर पे लगा हुआ है, ऑफ किया हुआ जी, यानी डिम लाइट हुई है, जैसे आपको अंधेरों कोने में। ये इनका नाम इंग्लैंड में था जब ये कुछ भी नहीं थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ इमरान खान का। तो इमरान खान वही है ना? बिल्कुल वही वाले हैं, बिल्कुल जाली हैं, जलंधर के हैं। हाँ बिल्कुल। और कहते हैं कि हम पठान हैं, ये किधर के, हर कुछ शाहजहांपुर के भी लोग पठान हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये टूना कर रहे हैं, तस्बीह का जाप कर रहे हैं, मजाक नहीं समझे। इनकी बेगम ने कहा है कि वो बैठा हुआ एक और बेवकूफ आदमी, उस पे यहाँ से टुन टुन करते जाओ, वो उस पे शैतानी ताकतें आ जाएंगी और वो तुम्हें को पैसा दे देगा। और यही होता है एक पर आपने इससे पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे करते हुए देखा है? मतलब आपका अनुभव भी बड़ा है, कभी देखा? हैव यू सीन एनीवन? नेवर। ये दुनिया की सियासत उस गटर में गिर गई है। ये दिख रहा है ना आपको? मुझे पता है क्या कर रहा है ये गोल गोल जो घुमा रहे हैं। हाँ हाँ, हम मुसलमान हूँ मैं जी। ये सब मुसलमानों को पता होगा ये क्या कर रहा है वहाँ, लाहौल वाला पढ़ रहा होगा, लाहौल वाला कुवत है, ठीक है लाहौल वाला पढ़े, बड़े शैतान है वो, लेकिन 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 उसका बाप है जी, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष के सामने नहीं। मतलब आप अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, तस्बीह पढ़ेंगे आप? शुक्र करें बीवी नहीं ले आया, उसका आज तक किसी को नहीं पता कि आदमी है या औरत है उसके पीछे। हाजी खान कुछ पूछा जा रहे हैं, हाजी खान बताइए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर इतनी देर से आप अपने जहां आप पैदा हुए उस जमीन से दुनिया के इंसानों को मोहब्बत होती है, लेकिन आप पहले शैतान हमें नजर आ रहे हैं। शैतान जो आपने मुल्क में जहाँ पैदा हुआ हो, एक सेकंड जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो उस मुल्क से भगोड़ा हो। नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजिक खान। हाजिक खान, हाजिक खान, मौलाना मौलाना। अपने मुल्क से भगोड़ा हो, यहाँ इंडिया में क्यों बैठे हो खान साहब? हम इंडिया के पैर हैं, इंडिया में भाई चॉइस है, हम भाई चॉइस हैं, हम भाई चॉइस हैं। अरे भाई, नहीं चॉइस नहीं है। आपके बाप दादा, आपके बाप दादा यहाँ से भी भागे, ना ना ना, आप चॉइस नहीं हैं। आप देश को बचाने और दो मुल्कों के बीच में दोस्ती नहीं, पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया? होगी ना, पाकिस्तानी है जी जी भाई, तुम वो पाकिस्तानी मान लो। मेरी एक बात और सुनिए, ये खान नाम के लोग जो है ना सब मंगोल है। आप आए तैमूर के किसी गधे घोड़े के ऊपर बैठ के, हमारे ब्रह्म राजपूत हैं, हम 1818 के अंदर मुसलमान हुए। ये बात सुने, करें अब आप, अब आप, अब आप, बात सुने, बात सुने, ना ना बात सुने, जाने दें आप। हाजी खान, हाजी खान एक सेकंड। अब देख लीजिए आप कि ये उन्होंने छूटते ही एक मौलाना ने क्या लफ्ज बोला, शैतान। क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूँ, इनको बड़ा दुख हुआ। अरे अरे ने अब हुआ ना, हुआ अब, हुआ हुआ, बोल बोलिए। ये रिकॉर्ड पे है मौलाना, मौलाना रिकॉर्ड। एक सेकंड, एक सेकंड, अब एक सेकंड, पानी पी लें, इनको पानी पिलवाएं जरा थोड़ा जी सा। जी जी ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया, आप सवाल चलाएंगे। ये देखिए, ये टेम्परमेंट है जिसका मैं कह रहा हूं आपको कि सख्त नफरत से दिल भरा हुआ, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे भैया, हिंदुस्तानी थे तो बांग्लादेश की आजादी में तुम कहां थे? मैं था मुक्ति बाहिनी में,
थे आप, क्या बात, ढाका में था, आप कहीं भी नहीं थे। आपकी अगर तलाश की जाएगी तो आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं निकलेंगे सर। आप उन लोगों में से हैं जो मेरे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो लोगों के बीच में नजा करे वो शैतान है। मेरी बात नहीं है, आप मुल्कों में दो मुल्कों के बीच में फरमाने की बात कर रहे हैं। अरे क्या नंबर, ये तो आपके मुल्क के साथ खड़े भैया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े। ठीक है, हुआ हुआ हुआ, हाजिर हुआ, ठीक है। राहुल राहुल एक सेकंड, सुबुई भी कुछ कहना चाह रही है, एक सेकंड, सुबुई भी कुछ कहना चाह रही है, आप अपनी बात को रखें। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि देखिए वो कोई अपनी पर्सनल ओपिनियंस तो दे नहीं रहे हैं, वो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है, जो आए दिन हमारे हाजिर खान आप उनके बीच में भी बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? आपने अपनी बात को रखी है, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप भारतीय साहब, आप उनको तो बोल रहे हैं कि उनको अपनी जमीन से प्यार नहीं है, आपको कितना प्यार है अपनी जमीन से। ठीक है, सुबुई 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 हिंदुस्तान से। इन्होंने पहले यूपी और बिहार और यहाँ सबके जितने खान थे ना, ये खान नहीं है, नून वाले नहीं, ये नूनूरना वाले हैं, ये जाली पठान, ये शाहजहांपुर के पठान हैं। दूसरी चीज, ये हर महफिल को समझते मस्जिद, ये मंबर पे चढ़ जाते हैं और वहां से डांटना शुरू कर देते हैं। इल्ज़ाम इनके पास क्या है, ये कुफर का इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि गुंडा बरादरी जो है इनकी, वो जो बम्बे में रहते हैं, जो लोग जो हर किस्म का गुनाह करने के बाद भी इनके साथ हैं, वो कहेंगे इसका कत्ल कर दो। मैं ये तो वो हो गया, अब इसकी गर्दन काटेंगे हम। ये कब, आज तक इमाम हुसैन से लेके आज तक गर्दन काटने की, ये अबू सुफियान के कैटेगरी के लोग हैं, ये सिर्फ कत्लेआम करने का। मैं क्विकली कुछ और मुद्दों पर आता हूँ। भारत सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को नागरिकता वो देने जा रही है जो प्रताड़ित है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहे, हिंदू ईसाई बौद्ध जैन तो शायद उधर होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, प्रताड़ित है कि ऐसे ही ये पूरी हवा बनाई जा रही है? नहीं सर, बहुत बुरी हालत है। मैं इस मसीहियों की बता रहा हूँ। आपको भी बुरा लग रहा है, आप भी मुसलमान हैं? नहीं नहीं, मेरे लिए तो पाकिस्तान बनना एक गुनाह है और झूठ बोलना गुनाह है। मुझे सबसे बड़ा एतराज मुसलमानों पर यह है कि कुरान ने साफ कहा कि सच बोलो उस वक्त भी जब उस सच से आपको पर्सनल नुकसान हो। ये झूठ बोल बोल के पाकिस्तान में शैतान भी कह दिया गया आपको, शैतान भी कह दिया, बहुत कुछ कहते हैं। इनके पास वोकैबुलरी कम है, इन्होंने कुछ किताबें पढ़ी नहीं है। इनसे पूछिए कि फिजिक्स क्या होती, दे डोंट नो, वो कहते हैं हराम है। आप मुझे एक बात बताइए, जब लाउड स्पीकर आया हिंदुस्तान में तो किसने फतवा लगाया कि लाउड स्पीकर हराम है, किसी को पता है? यहां पता है, पता तो आपकी मस्जिदों ने कहा, मौलाना ने कहा, दियोबंदी उसने कहा कि मेगाफोन और लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है, पाबंदी, फतवा लगा अगेंस्ट। जब बाद में होश आया कि यार इससे तो पांचों दिन में हर एक का नाक में दम कर सकते हैं हम, उन्हें लाउड स्पीकर लगा के बीच हिंदू मोहल्ले में अजाने चल रही है, जी, बता जी, रहे जी, हम लाउड स्पीकर बंद करें, जी 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 लाउड जी 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 ठीक। हाँ, अब 10 सेकंड में सवाल पूछिए। हाँ पूछिए, पीछे पीछे लेके जाइए सवाल। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सवाल पूछे ना। आपका जवाब जो है, आप सब मौलानाओं को बेकार बता रहे हैं, मुसलमान को बेकार बता रहे हैं। मैंने मुसलमान को बेकार नहीं कहा, आपको कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आप अजान देते हैं, बीजेपी का आदमी हूँ, लाउड स्पीकर, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान हमें भी गलत लग रहा है। अरे भैया, माँ बहने बैठ के आई है वो पाकिस्तान, बिल्कुल हमें भी गलत लग रहा है। अरे भैया, बेकारी मानेंगे, देखो सब मुसलमान को, सवाल पूछो या मेरे से सवाल सुन लो, मुझे बताओ, लाउड स्पीकर मुसलमान खराब नहीं, हर मुसलमान बेकार नहीं, हो गया हर मुसलमान खराब नहीं, ठीक है, ठीक है, हुआ। आप समझते हैं कि लाउड स्पीकर में अजान दी जाती है मस्जिद उमैयद के अंदर दमिश्क में, आप समझते हैं बादशाही मस्जिद में लाउड स्पीकर में औरंगजेब अजान देता था, ये आपने लाउड स्पीकर में अजाने दी है लोगों को तंग कर। यूपी में आप क्यों इनको चाहते नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे जबरदस्त, आप चाहते नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम भी रहे, आप कैप्टन का नाम ले रहे हैं, शशि थरूर का नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे। राहुल गांधी को आई डोंट कंसीडर हिम टू बी अ सेन पॉलिटिशियन जी। ये देखिए मेरी एक बात सुने, ये बिलावल भुट्टो, राहुल गांधी, ये पप्पू टाइप के लोग, जस्टिन ट्रूडो, ये इन्होंने कुछ, इनके पप्पा बड़े पैसे वाले होते थे, इन सब में देखेंगे कि इनकी बेटियां ठीक होती हैं और लड़के सारे के सारे पप्पू होते हैं। आप बेनजीर, ये बिलावल की बहनों को देखिए, सॉलिड। आप राहुल की बहन को देखिए, शी इज वेरी इंप्रेसिव, शी वुड बी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये जो माएँ
हिंदुस्तान पाकिस्तान में पप्पू बना के हमें घी खिला खिला के मोटा करती है ना, तबाह कर दिया पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान को। जी बेटियां ऐसी होती हैं, बेटे ऐसे होते हैं। आपकी नजर में आइडिया ऑफ इंडिया में अच्छा का ठीक है? देखिए आइडिया ऑफ इंडिया में बादशाह खान भी है, आइडिया ऑफ इंडिया में मैं भी हूँ, आइडिया ऑफ इंडिया में शेख मुजीब रहमान है, आइडिया ऑफ इंडिया में अब्दुल कलाम आजाद है, तमाम मुसलमान जो हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया में। जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं भैया तुम गजवा हिंद जो है, जिस जब तक मुसलमान मौलाना गजवा हिंद को डिनाउंस नहीं करेंगे उस वक्त तक दे विल बी सीन विद सस्पिशन। गजवा हिंद क्या है कि तुम पे लाजिम है कि तुम हिंदुओं को खत्म कर दो, उनके मंदिर तोड़ दो, तभी रोज कयामत आएगी। ये आप अच्छा फिर आइडिया ऑफ इंडिया आपकी नजर में अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो क्या है? द सेंटर ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है, इंडिया गई तो दुनिया खत्म। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक और बात आप जी जी लेकिन क्या आपको लगता है इस आइडिया ऑफ इंडिया में मुसलमानों को बिल्कुल जगह नहीं है? बिल्कुल है। आज के आइडिया ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी के इंडिया में बात सुनिए जी, आइडिया ऑफ इंडिया में मुसलमान उस दिन से है जिस दिन इमाम हुसैन की औलादों को एक हिंदू बादशाह ने पनाह दी और दुनिया की पहली मस्जिद बनी। इस्लाम एंड इंडिया आर इंटरट्वाइंड। मुसलमान कहीं नहीं जा रहा, ना एग्जिट वीजा मिलेगा, ना वो कहीं जाएगा, वो यहीं शोरबा सालन बिरयानी खाएगा, वो अरब का खाना कभी नहीं खाएगा। आप ईरान जाके देख लीजिए, वो कच्चे चावल पे कच्चा अंडा डाल के खाते, ओ इट इज़ वेरी गुड। मैंने कहा ये खाना ही नहीं है भाई, हम निहारी खाने वाले लोगों में कच्चा अंडे पे पता नहीं पस कैसा। कभी आपने दुनिया में देखा पर्शियन रेस्टोरेंट? नहीं। टर्किश रेस्टोरेंट? नहीं। इंडियन रेस्टोरेंट, उसके आगे लिखा होता है PAK, यानी वो हिंट होता है कि हलाल गोश्त है। अच्छा वो भी ठीक है। मकसद ये है कि इस खाने पे इसकी मौसीकी इसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगी, इसके राग। तो फिर आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया ठीक है, अमित शाह का आइडिया ऑफ इंडिया ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ की विपक्षी पार्टियों को आइडिया ऑफ इंडिया क्यों नहीं ठीक नजर आता? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हिंदुओं को अब तरजीह दी जा रही है, पोलराइजेशन ऑफ हिंदूज हो रहा है? इसमें लेफ्ट का जो रोल है दुनिया भर में, जो हमारे साथ के सोच के लोग हैं, जो सोशलिस्ट पार्टी में थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे, 1990 के बाद उनकी कमर टूट गई। उन्होंने सडनली देखा साला रूस गायब हो गया। तो वो जो खोखलापन था कम्युनिज्म का, उससे लोग अभी तक रिकवर नहीं किए जी। तो वो CPM जो डांगे की थी, RSS ने आपको लगता है हिंदुस्तान में वो जगह ले ली? RSS ने उस वैक्यूम को भरा ना। RSS पर आपका ख्याल क्या है? देखिए मैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी यूनिफॉर्म हो उसमें मैं बहुत डरता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग, क्या आपको लगता है उनकी सोच बांटने वाली है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? अब नहीं है, पहले थी। देखिए ये समझिए 1930 में दुनिया भर में हर सियासी पार्टी की यूनिफॉर्म होती थी। बेलचा पार्टी वालों की भी थी, RSS की भी थी, खुदाई खिदमतगारों की लाल होती थी, और उससे निकला फैशिज्म। बताइए कुछ सवाल भी ले रहे हैं वो काफी देर से आप लोग इंतजार करें उस तरफ। मैं आपका इनको इंट्रोडक्शन भी देता हूँ। ये पाकिस्तान से आए हैं जो कि हिंदुस्तान में शरणार्थी थे, लेकिन अब इनको अच्छा मैं कहाँ का है सर? मेरा जन्म खैरपुर मेरठ से। अरे साईं कैसे आप और हम एक ही है। और मैं ये कहना चाहूंगा जो मौलाना साहब कह रहे थे कि आप अपनी जन्मभूमि को गाली दे रहे हैं, अपनी जन्म पाकिस्तान की भूमि को गाली दे रहे हैं, मेरा इनको कहना है कि हमने अपनी माता को गाली नहीं दी, हमने कोई कारणों से अपना देश छोड़ा है। आप 24 घंटे पाकिस्तान में रह के तो दिखाइए, आपका सांस फूल जाएगा वहां पर। देखिए जिस एक शख्स ने पाकिस्तान बनाया उसका नाम कभी जिक्र में नहीं आएगा, वो पता है कौन था? GM सैयद। GM सैयद के एक वोट से सिंध गया मुस्लिम लीग की तरफ, वो भी अल्लाह बख्श सुमरों को जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उनको शूट करने के बाद। और GM सैयद से ये कहा गया कि पाकिस्तान की लाहौर रेजोल्यूशन के तहत सिंध विल बी एन ऑटोनोमस रिपब्लिक। जब आ गया तो उन्होंने कहा कि सिंधी जबान पर पाबंदी। आप लोग मुझसे एज में कम है, कराची को कैपिटल बनाया, उर्दू जबान डाली और तमाम के तमाम सिंधी नौकरियों से निकाल दिए गए क्योंकि वो उर्दू जानते ही नहीं थे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर आपके माध्यम से कि केरल में और कई जगह जो है ये प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं कहता हूं कि कितने मुस्लिम देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की शरण मांगने गए, दाऊद इब्राहिम जैसों को छोड़ करके कितने लोग गए हैं और वहां से कितने लोग। अच्छा सवाल है। देखिए
आप एज हिंदू मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पे ये लाजिम है आपके धर्म की वजह से कि बेवकूफ़ लोगों को आप पहले माफ़ करते हैं, उनके खिलाफ नफरत से मुसलमान हिंदुस्तान से कहीं नहीं जा रहा। ये आज ना समझी में तो कल इनको समझ आ जाएगी। आपका काम है काम करना, आपका काम नहीं कि आपको आके मेडल दे या जैसे इन्होंने कहा हमारे अब्बा ने इतनी स्कॉलरशिप दे दी, ये आपका कोई नहीं। आप क्रेडिट ना लें, आप बच्चों को लगाएं मेहनत करने और खुदा के वास्ते एमबीए की तरफ नहीं बजाए सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाइए ताकि उनको हिस्ट्री समझ में आए ये किस जन्नत में रह रहे हैं आप। जी जी, आखिरी सवाल, आप पाकिस्तान आपको भारत का एजेंट बताता है जबकि हिंदुस्तान में कुछ लोग आपको इस्लाम का नाम लेकर गुमराह करने का आरोप आप पर लगाते हैं, कहते हैं आप हिंदुओं के असल में एजेंट हैं आप। जब मेरे सारे परदादा वरदादा कितने, आप हैं क्या? मैं हिंदू हूं जो मुसलमान हुआ था 1880 में मेरा खानदान, और मैं हिंदुस्तान हमेशा रहूंगा क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। एक पाकिस्तान अगले 20 साल में जाने वाला है तो जिस जिसने पुरानी दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा छुपाया हुआ है मैं उसे कह रहा अभी भी चांस है बदल लो, क्योंकि मैंने वहां देखा क्रिकेट टीम पाकिस्तानी लिबास में, मैं हैरान हो गया था, मैं वीडियो है। अच्छा अब क्योंकि बहुत सारी सीरियस बात हो गई, आप फिल्में वगैरह देखते तारिक साहब? हाँ देखते हैं बहुत। कोई गाना भी पसंद है? नहीं, अब क्या करें, ट्विटर पे डिमांड आई कि तारिक साहब से पूछ लीजिए हिंदुस्तानी गाना कौन सा पसंद है वो गा दें जरा दो लाइनें तो अच्छा है। अरे कैसे याद आएगा यार गाना पहले कौन सा पसंद, कौन सा गाना? नहीं 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 कोई खूबसूरत गाना ऐसा पेट्रियोटिक सॉन्ग नहीं है भैया। हाँ ये क्या है, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रही है अब। जी काफी सर, जी इतना काफी है।